अब आपके शहर दमोह में मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट गेहूं का उच्चतम तकनीक विधि से निर्मित लाडली चक्की फ्रेश आटा सात्विक और शुद्धता से परिपूर्ण शकुंतला फ्लोर मिल औद्योगिक क्षेत्र मारुताल दमोह है। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। अप्रैल है और काउंटिंग अपनी 2 मई को होगी और 4 मई तक हमको पूरा निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना होगा। तो एक तो विषय यही था, तो आचार संहिता के संबंध में जैसा कि आप सबको विदित है कि जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू हो जाती है, तो जिस प्रकार से नए काम और ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं, आधिकारिक दौरे और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं और मतदाताओं की संख्या जो कुल लगभग 2.39 लाख हमारे यहाँ के मतदाता हैं, जिनमें 1,24,000 पुरुष, 1,15,000 महिलाएं हैं, 8 हमारे थर्ड जेंडर मतदाता हैं। और जो मतदान केंद्र और जो कोविड की गाइडलाइन के तहत हम जो निर्देश हमको मिले थे उस पर हमने 70 सहायक मतदान केंद्र और बनाए हैं। तो इस प्रकार से हमारे 359 मतदान केंद्र हमारे हो रहे हैं जो कि 202 लोकेशन पर स्थित है। बाकी अभी कार्यवाहियाँ प्रारंभ होगी, किस तरीके से वल्नरेबल मैपिंग और जो क्रिटिकल मैपिंग है वो अभी कार्यवाहियाँ कल से हमारे जो सेक्टर अधिकारी हैं जिनको हमने नियुक्त किया है, हमारे 41 सेक्टर है पूरे दमोह विधानसभा क्षेत्र जिनमें हमने एक एक सेक्टर अधिकारी को नियुक्त किया हुआ है, तो वो कल से वो अपना दौरा करेंगे और वल्नरेबिलिटी मैपिंग जो रहती है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर संभावना है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग लोकतांत्रिक तरीके से ना कर पाए, ऐसे अगर कुछ क्षेत्र निकलते हैं पुलिस और प्रशासन की संयुक्त रूप से, तो वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पे हम वल्नरेबल मैपिंग करेंगे। आयोग के द्वारा दमोह उपचुनाव की घोषणा की जा चुकी है और 17 अप्रैल को इस निर्वाचन के संबंध में वोटिंग की जाएगी और जिले में जैसे ही आदर्श निर्वाचन की घोषणा हो जाती है तत्काल आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। तो अभी जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और हमारे जो निर्वाचन के परिणाम हैं वो 2 मई को आएंगे और 4 मई तक हमको सारी निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको समाप्त करना होगा और लगभग जिले में 239,000 वोटर रहेंगे जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे।